एक तरफ जहां केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सोनभद्र के जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक से पैसे लेकर इलाज किया गया। जिले के हाथीनाला थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग अपनी बेटी के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। उस मरीज से बेटी के ऑपरेशन के नाम पर 11,500 रुपए ले लिए गए और उसे अभी भी पैसों की डिमांड की जा रही है, जबकि उसके पास आयुष्मान कार्ड भी है। वहीं जब इस मामले को जिला अस्पताल में CMS के संज्ञान में लाया गया तो CMS अब मरीज द्वारा लिखित तहरीर देने पर कार्यवाही करने और साथ ही साथ पैसा वापस करने की बात कह रही है। सोनभद्र के हाथी नाला क्षेत्र से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी के इलाज के लिए 1 जुलाई से जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती है। वह तो मरीज के पास आयुष्मान कार्ड भी है। जिला अस्पताल में सक्रिय दलालों ने मरीज का ऑपरेशन जिला अस्पताल में करवाने और उनके पैर में रोड डलवाने के एवज में बुजुर्ग व्यक्ति से 11,500 रुपए ले लिए। मरीज के परिजन का कहना है कि अभी भी उससे 4,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। जब इस मामले को जिला अस्पताल के CMS के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने वार्ड में जाकर मरीज से मामले की जानकारी ली। उन्होंने मरीज द्वारा लिखित शिकायत और तहरीर देने पर कार्यवाही की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि वह शिकायत करता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी और साथ ही साथ उसका पैसा भी वापस करवा देंगे। राम भजन, ये पूनम देवी का कौन है? पूनम नई लड़की है। अच्छा, तो क्या हो गया उनको? इनका जो है बायां पैर टूट गया है। अच्छा जी, तो कब से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से 1 जुलाई से। अच्छा, तो आपके पास आयुष्मान कार्ड भी है? जी हाँ है। अच्छा, मैं यहीं से उस चीज़ को लिया है। अच्छा, कहाँ का रहने, कहाँ से बनवाए हैं, कहाँ का रहने हैं? हम ग्राम साउंडी के हैं, पोस्ट हटपानी है और थाना जिला हाथीनाला है, जिला सोनभद्र है। तो यहाँ से आपसे जिला अस्पताल में कितने पैसा लिया आपसे? मैं आज तक मैं 11,500 पैसा दे चुका हूँ। किसको दिया आपने? मैं उनका नाम है बनारसी, लेकिन असली नाम उनका है ये सुरेश कुशवाहा। क्यों दिया पैसा? उन्होंने बोला हमसे कि 10,500 का राड आएगा और ब्लड के लिए 1 फ्री में देंगे और 1 और आएगा उसका कीमत देना होगा, जो इसमें फिर मैं 1,000 और दिया उनको और बाकी 4,000 रह गया। इसी में आनाकानी होने लगा। जब तक मैंने इस कार्ड को दिखाया तो पर कहा कि भाई अब कैसे होगा, मैं जब ब्लड दिया हूँ खरीद के तो उसका पैसा देना ही होगा। हमका सर तो इतना पैसा नहीं है, कल बहुत इधर उधर करते तो डॉक्टर साहब से समय में हमने बोला तो उन्होंने कहा कि अब कैसे करें, चलो वार्ड में आते हैं। यहाँ जब आए तो देखो के जब जाने लगे तो मैंने हजूरी विनती करते करते तो फिर हमने कहा ज़्यादा नहीं सर, लेकिन मैं 2,000 मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी लड़की का ऑपरेशन जरूर कर दीजिए क्योंकि मैं गरीब आदमी। इतना ही पर तय हुआ सर, तो आज वही 2,000 दिए। अब सुबह आए थे वार्ड में, बोले कि कब जमा करें, हमके सर घर से आ रहे हैं लोग, रास्ते में हैं, जब आ जाएंगे तो जमा करेंगे। ये मेरे तरफ से ये अंतिम बात। वो श्री पीके सिंह हड्डी के डॉक्टर। हाँ, हड्डी के डॉक्टर। हाथी नाला क्षेत्र से एक पेशेंट आई हुई है, उसके परिजनों का आरोप है कि उससे जो है पैर की राड डालने के नाम पे कुछ पैसे ले लिए गए और डॉक्टर ने ही उससे पैसे मांगे हैं और उसके बाद आयुष्मान कार्ड भी है। और जिला अस्पताल में इस तरह की चीज़ें कैसे क्या कार्रवाई? अभी मैं आपके साथ में राउंड दौरा किया था, उस जो मरीज थी उसके पिताजी से मैंने बातचीत की, उसके पास आयुष्मान कार्ड है, तो उन्हें पूछा पता चला कि उस बच्ची का नाम भी उसमें है। तो अब उसने कोई लिखित तहरीर हमको नहीं दी कि शिकायत नहीं की। अब हम उसे कह के आए अगर कोई इस तरह की बात है तो हमें लिखित शिकायत हो, हम उचित कार्रवाई करते हैं। अगर कोई पैसा लिया तो पैसा वापस करवा देंगे उसका, और जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह कोई गलती ना दोहरा सके। और आयुष्मान कार्ड धारक पेशेंट हमारी प्रायोरिटी में है, भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रायोरिटी में है और हमारा उस पर पूरा ध्यान केंद्रित है। हम चाहते हैं कि ऐसे मरीजों को पूरा लाभ मिले उनको, और कोई इस तरह हरकत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऊपर अधिकारियों को लिख दिया जाएगा।